गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. राजा राजकीय का रिपोर्ट है. कोई फोन कॉल्स, कोई कंप्लेन? नहीं सर, कोई कॉल्स, कोई कंप्लेन नहीं. रात को फोन डेस्क पर ड्यूटी किसकी थी? हमारी थी सर, कोई कॉल नहीं था. अरे श्योर? जी सर. अरे वाह, हमारे आदर्शगंज इलाके में रात भर ना कोई कंप्लेन है, ना कोई फोन कॉल्स, ना दली. ये तो वाकई में गुड मॉर्निंग हो गई. अब हम इस शांति को दिन भर बरकरार रखेंगे, ठीक है? जी सर. आदर्शगंज में वो रात शांत रही, पर उस सुबह सूरज के निकलते ही उस शांति की धज्जियां उड़ने वाली थी, मानो भूचाल आने वाला था. गुड मॉर्निंग मलिक साहब. गुड मॉर्निंग दिनेश जी. गुड मॉर्निंग. सब खैरियत? ऑल वेल, ऑल वेल. ऑलवेज ऑन टाइम. चलिए मिलते हैं. ओके ओके ओके. मंसूर साहब. साहब, 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 साहब अनर्थ हो गया साहब. क्यों, क्या हुआ? सब मंसूर साहब पर फायरिंग हुआ साहब. कहाँ हुआ ये? आप चलिए, आप दिखाते हैं साहब. जी सर, रास्ते में हूँ, अगले 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचूंगा. खबर किसने की थी? सर, उस तरफ एक चाय वाला है जगदीश, उसने आगे बताया था. जब मंसूर साहब पर फायरिंग हुई थी तब कोई नहीं था आसपास? अपने बाजार रोड के एक व्यापारी हैं, दिनेश गुप्ता जी, वही थे, बाकी कोई भी नहीं. हेलो, ये जो रजिया चौक वाला भाग है ना, हाँ, उसके पीछे वाली सड़क पर एम्बुलेंस चलते भेजिए. मंसूर साहब, मोमेंट, एम्बुलेंस भी बहुत जल्दी. सर, एम्बुलेंस हमने मंगवा लिया है. दिनेश जी, आपने क्या देखा? अरे अभी थोड़ी देर पहले मंसूर साहब हमें पिछली गली मिले, वहाँ भाग कर आए तो कुछ लोग बाइक पर थे, गोलियाँ चला रहे थे, और मंसूर साहब यहाँ नीचे गिरे पड़े थे. दिनेश गुप्ता बोले आसपास और भी लोग थे, लेकिन सब डर के भाग गए. दिनेश जी को हमने पुलिस स्टेशन में बिठा रखा है. हम कांस्टेबल रामलाल बोल रहे हैं, आदर्शगंज थाने से. मैडम जी, एक बुरी खबर है. आज सुबह सुबह रामलाल जी, जरा खुल के बोलेंगे, सब ठीक तो है? मंसूर सर पे गोलियां चली हैं. मैडम जी, ये क्या कह रहे हैं? जी मैडम जी, उन्हें सिविल हॉस्पिटल में ले गए हैं. बहुत ज्यादा खून बह चुका है सर जी. लेकिन राजन, ऐसा कैसे हो सकता है कि मंसूर सर निहत्थे थे? सर्विस क्यों नहीं थी उनके पास? अभी तक कुछ पता नहीं चला सर. जब लाए गए थे ऑलरेडी ब्लड लॉस हाई था, क्रिटिकल थे. हमने सारी कोशिशें की, बट सॉरी मलिक साहब को हम नहीं बचा सके. आदर्शगंज के सीनियर इंस्पेक्टर मंसूर मलिक की आज सिविल हॉस्पिटल में मौत हो गई है. उनके ऊपर फायरिंग की गई थी. हमारे सूत्रों के अनुसार इंस्पेक्टर मलिक अपने रोज के मॉर्निंग वॉक पर थे, जब मोटरसाइकिल पर आए हथियारों ने उन पर 6 गोलियां दाग दी और फरार हो गए. एक और खबर सामने आ रही है जो खलबली मचा रही है, और वो ये है कि अपनी दबंगई और ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले इंस्पेक्टर मंसूर मलिक सुबह मॉर्निंग वॉक के वक्त निहत्थे थे. उनकी सर्विस गन उनके पास नहीं थी और सुबह उसी वक्त उन पर हमला हुआ. हालांकि इस बारे में पुलिस हमें कुछ भी नहीं बता रही, पर हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि कत्ल के वक्त वहां और भी लोग मौजूद थे, लेकिन गोली चलने की वजह से सब लोग डर के मारे वहां से भाग गए. सीनियर इंस्पेक्टर मंसूर मलिक को सुपर कॉप की उपाधि दी गई थी, जब उन्होंने आदर्शगंज में पूरी निष्पक्षता से एक एक क्रिमिनल गैंग से कमर तोड़ दी थी और अराजकता का राज खत्म कर दिया था. 6 की 6 गोलियां हमने इनकी बॉडी से रिट्रीव कर ली है इंस्पेक्टर. एक्चुअली जब व्हील इन हुए थे तभी समझो पल्स थी ही नहीं, ब्लड लॉस इतना ज्यादा हो चुका था.
काश थोड़ी जल्दी लाए गए होते। डर के मारे लोगों का खून पानी हो गया था डॉक्टर। लोकेशन पर मौजूद बाकी सभी मॉर्निंग वॉकर्स मानो हवा हो गए। अगर किसी ने जरा सी भी हिम्मत दिखाई होती तो इन्हें थोड़ा और पहले यहाँ लाया जा सकता था। डॉक्टर, ये मार्क कैसा है? ये किसी पुरानी इंजरी का मार्क है, इस फायरिंग से नहीं है। ये न्यूज चैनल वाले क्या बकवास कर रहे हैं? हमें अबू को देखना है, कहाँ है वो? न्यूज चैनल वाले सच बोल रहे हैं। सर जी अब नहीं रहे। नहीं, शर्म नहीं आती आपको अपने सीनियर के बारे में सब ऐसे बकवास करते हुए? अभी सुबह तो हमारी बात हुई है उनसे फोन पर, जब वो मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे, ऐसे कैसे नहीं रहे? मजाक है क्या कोई? सब कुछ अचानक हो गया मैम। वॉक पर जाने से पहले सर जी हमसे भी मिलकर गए थे, पर हमें ये नहीं पता था कि उनके साथ हमारी वो लास्ट मीटिंग हो। अम्मी, अम्मी अबू को देखना है, अम्मी अम्मी अबू को देखना है, अम्मी अम्मी। जब हम वहां पहुंचे तो इतना ही देख पाए कि वो लोग बाइक पर थे। शूटर्स का चेहरा देखा तुमने? नहीं देख पाए सर, उन लोगों ने हेलमेट पहना था और वो दूसरी बाइक पे जो लड़के थे वो काफी दूर थे। डर तो हमें भी बहुत लग रहा था साहब, लेकिन मंसूर साहब की बहुत इज्जत करता है हमारा व्यापारी समाज, इसलिए हिम्मत करके हम आगे बढ़े और बाकी के लोग भाग खड़े हुए। बाइक का कुछ नंबर वगैरह याद है तुम्हें? सब कुछ इतने जल्दी हुआ कि कुछ समय नहीं आया, पर मंसूर साहब के शरीर से इतना खून निकल रहा था, मतलब हमारा दिमाग तो एकदम सुन्न हो गया था। मंसूर साहब रोज की तरह सुबह थाने आए, नाइट की रिपोर्ट ली और वॉक पे चले गए, लेकिन रोज की तरह उनकी सर्विस गन उनके पास नहीं थी। मैडम ये हमको नहीं पता था, और हमको पता भी कैसे चलता कि वो बिना गन के निकले? लेकिन किसी न किसी को तो पता था कि सीनियर इंस्पेक्टर मंसूर मलिक आज बिना गन के वॉक पर गए। उनका गन हमेशा उनके ड्रॉवर में ही रहता है, वो रोज सुबह आते, रिपोर्ट लेते और गन लेकर वॉक पर निकल जाते थे, लेकिन आज गन लेकर नहीं गए और आज ये अटैक हो गया। राजन ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। आपको समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ नॉर्मल था, हम में से किसी को पता नहीं कि सर आज गन लेकर नहीं गए और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। सर सर, सीनियर इंस्पेक्टर मंसूर मलिक को मारने का प्लान बनाया गया था, ऐसा कुछ सामने आया? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीनियर इंस्पेक्टर मंसूर मलिक हमेशा अपने साथ गन रखते थे काउंटर अटैक के लिए, वो आज ही नहीं आते, क्यों निकले थे मॉर्निंग वॉक पर? देखिए ये सवाल हमारे लिए भी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद इस सवाल का जवाब मिलेगा। सर आपको ये नहीं लगता कि ये साजिश आपके डिपार्टमेंट के अंदर ही रची गई है? ये टीआरपी की पट्टी अपनी आंखों पर इतने कस के मत बांधिए, समझे? लगता है कि पट्टी आपके डिपार्टमेंट के मुंह पर भी लगी है, इसलिए आप सच कहने से कतरा रहे हैं। आप तो हिम्मत वाली हैं ना, आप बताइए सच क्या है? क्या ये सच नहीं कि इंस्पेक्टर मलिक की मुहिम के कारण डिपार्टमेंट के सारे ऑफिशियल्स की ऊपरी आमदनी ठप पड़ गई थी? एक्सक्यूज मी प्लीज। सर, शमशेर चक्कर क्या ये? सारे के सारे खबरी अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं। पर मैडम हम तो आपका फोन एक ही रिंग में उठाए ना मैडम। लेकिन जो हुआ है वो हमेशा की तरह नहीं है शमशेर, हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर इंस्पेक्टर मारे गए हैं, वो भी दिन दहाड़े। शमशेर कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे कहीं से भी वो चारों बंदे ला के दे जो बाइक पर आए थे। हम फुल ट्राई करेंगे मैडम। ट्राई वराई तो तू बोली मत, मुझे रिजल्ट चाहिए। हम मंसूर साहब का बहुत इज्जत करते थे, मगर वो कहा है ना मैडम, इज्जत और डर के बीच का लकीर बहुत धुंधला है मैडम। हर पंटर डरा हुआ है, सब एक ही बात कह रहा है कि मंसूर साहब का विकेट नहीं गिरा है, उनको रनआउट कराया गया है। तू आदर्शगंज पुलिस स्टेशन की तरफ इशारा कर रहा है? अब आप खुल के बोल रही हैं तो हम भी बोल देते हैं, हर कोई डरा हुआ है मैडम, सबके मन में एक ही बात चल रहा है कि अगर डिपार्टमेंट मंसूर साहब जैसा शेर को मरवा सकता है तो आम पब्लिक तो कीड़ा मकोड़ा है। पब्लिक एक तरफ तो डरती है और दूसरी तरफ पूरे डिपार्टमेंट पर कीचड़ उछालने से नहीं चूकती। खैर छोड़ो, हमें सिर्फ इस बात पर फोकस करना है कि चार लोग बाइक पर कौन थे और उन्हें कैसे पता था कि खासतौर पर आज इंस्पेक्टर मलिक अपनी सर्विस गन लेकर वॉक पर नहीं गए। यादव किसी को भी बख्शा नहीं है, भले ही वो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर का ही कोई क्यों ना हो। यस सर, वैसे अटैक के वक्त मंसूर सर निहत्थे थे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उससे भी बड़ा सवाल तो ये है यादव कि वो कौन था जो जानता था कि मंसूर निहत्था था, और वो जो कोई भी था उसी ने हथियारों को इन्फॉर्मेशन लीक की थी कि काउंटर अटैक के कोई चांसेस नहीं है, हरी झंडी है काम कर दो। सर मंसूर सर की क्लीनअप ड्राइव ने बहुत सारी गैंग्स उनकी जान का दुश्मन बना रखा था। अब हम उनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे यादव, जिन्होंने हमारे वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर को मारा है। आदर्शगंज थाने की टीम से बात कर रहा था मैं सर, मंसूर सर अजीब डेयरिंग आदमी थे, गोली चलाने से तो कभी झिझके नहीं, गोली खाने से भी कभी नहीं डरे।
तुम एक चलाओगे हम 10 चलाएंगे, लेकिन आज के बाद इस इलाके में तुम्हारी कभी नहीं चलेगी। पूरा आदर्शगंज थाना हमारे लिए एक सस्पेक्ट है। जिसने भी इन्फॉर्मेशन पास की है कि आज सुबह मंसूर सर बिना सर्विस गन के मॉर्निंग वॉक पर गए या फिर ले जाना भूल गए, मुझे वो आदमी चाहिए। अगर वो हमारे हाथ में होगा तो शूटर्स और मास्टरमाइंड्स दोनों हमारे हाथ में होंगे। इन्वेस्टिगेशन टीम को हम सभी के मोबाइल नंबर चाहिए और खुफिया नंबर्स। हमारे पास एक ही नंबर है सालों से। हमारे पास भी एक ही नंबर है सर। देखो यहाँ पुलिस ही पुलिस की तहकीकात कर रही है, अगर कुछ भी छिपाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित पकड़े जाएंगे। पूरी कोऑपरेशन देनी है हमें, जो छिपाएगा वो पछताएगा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मंसूर मलिक उस सुबह अपने कैबिन में गए और उनके ड्रॉर में उनकी सर्विस गन का सिर्फ केस था, गन नहीं थी? और उन्होंने सोचा होगा कि शायद वो गन घर पर भूल गए हैं और एक दिन वॉक पर बिना गन के चले जाते हैं। पर एक्चुअली पहले से ही किसी ने गन निकाल के छुपा दिया होगा, बाद में फिंगरप्रिंट्स पोच कर वापस केस में डाल दिया होगा और वही आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिला। अब कोई बाहर वाला सीनियर इंस्पेक्टर के कैबिन में घुसकर गन को निकालना, छुपाना और वापस रखना तो कर नहीं सकता सर। आप दोनों का इशारा इनसाइड जॉब की तरफ। उस वक्त भी हर जगह इसी एंगल की बात हो रही थी और हमने भी इस एंगल को कतई रूल आउट नहीं किया था। मंसूर मलिक बिना गन के क्यों थे और ये बात किसने किसको बताई? इन्हीं सवालों के बीच छुपा था इस मर्डर का राज। सरेंडर कर रहे हैं, बस हमको ठोकना मत। सर जी अगर आप इस एंगल से टटोल रहे हैं कि हम में से किसी ने या हम सबने मिलकर वहां से गन गायब की और आप लोगों के आने से पहले फिर वहां पर रख दी, तो प्लीज सर इस एंगल को ड्रॉप ही कर दीजिए। सर जी मंसूर साहब ऐसे कड़क अफसर थे कि उनकी सर्विस गन को गायब करने की बात तो दूर, यदि किसी ने छुआ भी होता तो पूरे थाने की परेड करा देते बुरी वाली। मंसूर साहब यहाँ पिछले एक साल से पोस्टिंग पर थे और पिछले एक साल से एक भी सुबह ऐसी नहीं आई जब वो थाने नहीं आए और रात की रिपोर्ट नहीं ली, और ऐसे शख्स की गन केस में ना हो तो वो ऐसे कैसे जाने देते? मंसूर सर सही मायने में स्वच्छ भारत अभियान के सिपाही थे, उन्होंने अपने हाथों से पूरे इलाके की सफाई की थी, तो क्या वो यहाँ अपने थाने के अंदर की गन को बख्शते? बिल्कुल सही फरमाया सर जी आपने। मंसूर साहब ने जिस दिन पोस्टिंग अपने हाथ में ली सबसे पहले उन्होंने अपने थाने में झाड़ू घुमाया, जब थाना साफ हुआ तभी तो इलाका साफ कर पाए, और हम भी डट कर खड़े थे उनके साथ में। एक पैसा बतौर घूस एक साल में आया नहीं थाने में सर। राजन घूस का पैसा खून की तरह होता है, जिसका स्वाद अगर एक बार किसी इंसान के मुंह पर लग जाए तो उसे और कोई स्वाद अच्छा नहीं लगता, उसके बाद फिर उस खून को पाने के लिए वो अपनों का खून बहाने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब तक क्रिमिनल्स हमारे थाने में आकर कहते थे, आज वही बात बड़े भारी मन से आपसे कहना पड़ रहा है, हमने कुछ नहीं किया। राजन लेकिन एक बात 100% पक्की है, किसी न किसी से टिप ऑफ जरूर मिली थी हथियारों को कि मंसूर मलिक निहत्थे निकले हैं। सर वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि बात लीक हुई है, वरना किसी की मजाल थी शेर के मुंह में हाथ डालने की, और वो लीक हम में से किसी ने या आदर्शगंज थाने के किसी भी कर्मचारी ने नहीं किए सर। चार लोग थे दो बाइक पर, कौन से गिरोह से थे वो लोग? मंसूर सर पर अटैक करने का कोई भी गैंग सोच नहीं सकता है साहब। साहब कोई अगर आदर्शगंज का भी होगा ना साहब तो आपको अभी यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ से बाहर जा चुका होगा। मलिक साहब के आने पर वैसे भी हमारी दाल रोटी छिन गई थी साहब, हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने उनका तबादला ना सोचा हो, लेकिन इस तरह से हमेशा के लिए उनका ट्रांसफ़र करने का गुर्दा किसी के बाप में नहीं है साहब। साहब बुरा मत मानिएगा, कोई अंदर का सिक्का खोटा है। अंदर से है तो बता दे मुझे, या पता कर कि अंदर से कौन था, नहीं तो तुम सब के सब यहाँ अंदर से बाहर की जिंदगी कभी नहीं देख पाओगे। सर आदर्शगंज पुलिस थाने के हर एक हवलदार और PSI के फोन रिकॉर्ड्स कुछ बोल नहीं रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा नुसरत, एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई है। सर खबरी नेटवर्क को 4 गुना टिप ऑफर किया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सब हिले हुए हैं। हिले हुए या मिले हुए नुसरत, भले ही कोई कुछ बोल ना रहा हो लेकिन सबको पता है कि अगर मंसूर सर के पास हमेशा की तरह उनकी गन होती तो आज लाशों में शूटर्स की बिछी होती। जब से मंसूर सर ने आदर्शगंज थाने का चार्ज लिया उस दिन से लेकर के उनकी मौत के दिन तक, उन्होंने जितनी फाइल्स क्लोज की, जितने भी एनकाउंटर्स किए और जितने भी गैंग से ऑपरेशन नाकाम किए, हर छोटे बड़े केस की डिटेल्स मुझे चाहिए। जी सर।
कपूर भाई आप? सुल्तान, कुछ दिन रुकना चाहेंगे हम यहाँ। आप ही का घर है, आइए। गफूर भाई, गफूर भाई ऐसे अचानक काहे, कहीं लिख के लगाए हो सुल्तान, हम अचानक नहीं आ सकते। नहीं, मतलब सब खैरियत ना? आज तक तो खैरियत ना पूछी तूने, कुछ भी तो नहीं पूछा, आज बड़ी पूछताछ कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं गफूर भाई। बात तो है सुल्तान, जो तू भी जानता है और हम भी जानते हैं। अपनी बेगम से बोल, सुलेमानी चाय पियेंगे हम हमेशा की तरह। करना क्या है बे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं करते, अभी बैठे रहते चुपचाप। कब तक? जब तक मामला ठंडा ना पड़ जाए। अबे अंधा बह रहा है क्या, दिखता नहीं मामला दिन ब दिन कितना उबलता जा रहा है। ठीक है, तू ही बता दे फिर क्या करना चाहिए। अबे हम तुमसे पूछ रहे हैं और तुम हमसे पूछ रहे हो। शायदा जी, पूरे स्टेट की फोर्स लग जाएगी इस केस में और मंसूर सर के हत्यारे जरूर पकड़े जाएंगे। हमने सुना सबके सामने मार डाला, हॉस्पिटल ले जाना तो दूर, कोई उनके पास तक नहीं गया था, सब भाग गए और वो वहां पर खून में लथपथ पड़े करार है। वो खून जाया नहीं जाएगा शायदा जी, मंसूर सर ने जो अच्छा काम शुरू किया था वो हमेशा चलता रहे। उनके जैसा ऑफिसर नहीं था हमारे डिपार्टमेंट, और ये बात मैं आपको पूरे दिल से कहता हूँ। उनके जैसे जाबाज ऑफिसर की ऐसी मानो कोई शिकार किया हुआ जानवर। ना ना शाहिदा जी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मंसूर सर कई सारे बेईमानों के रास्ते के कांटे जरूर थे, लेकिन वो शहीद हुए हैं, वो भी सच्चाई के लिए और ईमानदारी के लिए, और इस केस की सच्चाई भी सामने आकर रहेगी, चाहे फिर हत्यारे कहीं भी हो, कोई भी हो, ये मेरा वादा है आपसे। पुलिस वाले को वही गैंग मारेगी जिसे सामूहिक खुदकुशी करनी हो, और वो भी मंसूर मलिक जैसे अफसर को? नहीं साहब, कोई चांस ही नहीं है। बाइक पर आकर मारने का तरीका गैंग वालों का है हमें, और जिस तरह के रिवॉल्वर से मारा गया ना, वैसा रिवॉल्वर हर दूसरा गैंग अपने पास रखता है। कहीं यह हमला नक्सलियों ने तो नहीं किया? हो सकता है बरसों से बिल में छुपे सांप ने फिर से फन उठाया हो और धमाके के साथ रीएंट्री करना चाहते हो आदर्शगंज में। मैडम जी, दो नाम दे रहे हैं, नोट कीजिएगा, बहुत मुश्किल से दोनों नाम मिला है। बोल, जल्दी बोल। एक है राकेश शर्मा और दूसरा है निकुंज दास। पता? राधा कुंज नगर। मैडम, एक चाय वाला है, बोल रहा है कि हो सकता है ये दोनों लड़के मौका वारदात पे मौजूद रहे होंगे। हमें अच्छी तरह से याद है 7 सितंबर की वो सुबह, और दोनों लड़का लोग भी। अच्छा राम भैया, एक बात बताइए, आपका ये ठेला रजियागंज गार्डन से कम 1 किलोमीटर का दूरी पर है, तो आप इतना यकीन से कैसे बोल सकते हैं कि वो दोनों लड़का लोग फायरिंग के समय वहीं पर था? अरे हमारे पास कोई दूरबीन थोड़ी है जो इतना दूर तक देख सकते हैं। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि दोनों लड़के यहीं के हैं, राधा कुंज के, अक्सर सालों से चाय पीने आते रहे, उस सुबह भी आए थे। अब तुम पूछो कि हम तुम्हें उन दोनों के बारे में क्यों बता रहे हैं? नहीं पूछेंगे। अरे महाराज, आप हमको खाली इतना बताइए कि आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि दोनों लड़का लोग फायरिंग में शामिल थे? अरे हम ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं कि वो यहाँ से चाय पी के गए इस तरफ, और आधे घंटे बाद अपनी फटपटिया से भुर्र करके इधर से उधर भागे। और उन दोनों के पीछे निकले वो हेलमेट वाले लोग, और उस दिन के बाद वो दोनों हमारे ठेले पे कभी दिखाई नहीं दी। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है, आप हमें पूरी तरह गलत समझ रहे हो, आप हमें समझाने का एक मौका दीजिए।
वाकई क्यों, हम तो तुझे चौका और छक्का भी देंगे, क्रिकेट के बॉल की तरह उठा के स्टेडियम के बाहर भी फेंकेंगे और अंदर भी लेके आएंगे, और यकीन कर हमारा एक भी लूज बॉल हम छोड़ते नहीं है। नक्सली जी सर, एंगल है तो सही, लेकिन इरफान सालों पहले हमारे पूरे जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। शायद एक बार फिर से आदर्शगंज में पैर जमाने की फिराक में होंगे सर। सर हम सुबह में चाय पीकर सिर्फ राउंड मारने के लिए गए थे। हाँ सर, हम वहाँ जरूर थे पर हमारा ये सबसे कोई नाता नहीं। हाँ। तुम लोग वहाँ पर थे ये नाता साबित करने के लिए काफी है। हम पर यकीन कीजिए सर, हम सिर्फ शेयर करने के लिए गए थे बस। देखो फटाफट बोल दो तुम दोनों, वो जो दूसरी बाइक पे दो लोग थे वो कौन थे, हेलमेट वाले? हम नहीं जानते उनको, हम तो बस वहाँ ऐसे ही बैठे थे। तुम लोग वहाँ पर ऐसे नहीं बैठे थे, तुम वहाँ पर उन शूटर्स को इशारा देने के लिए बैठे थे कि मंसूर मलिक कब आने वाले। नक्सलियों के कौन से गुट से तुम दोनों? नक्सली? अरे नहीं नहीं सर, हमारा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सर हम तो कह रहे हैं ना कि हम बस वहाँ पर ऐसे ही बैठे थे, सर देखा कि सामने से मंसूर साहब वॉकिंग करके आ रहे थे बस। सर हम तो जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहने की सोच रहे थे। मंसूर साहब, लेकिन इतने में वो दो हेलमेट वाले वहाँ पर आ धमके। पर जैसे ही फायरिंग शुरू हुई हम दोनों ठंडे पड़ गए। लेकिन उस ठंडी पड़ी हालत में भी तुम लोग भागे और वो भी उन दोनों हथियारों के साथ। ये झूठ है, हम उनके साथ कतई नहीं भागे सर। सर हम भागे क्योंकि हम हद से ज़्यादा डर गए थे बस। जैसे उन दोनों ने यू टर्न मारा तो हमको लगा कि वो हमें भी ठोक देंगे सर, तो सर हम वहाँ से पागलों की तरह भागे। पड़ी थी हमारी सर। सर सर हम बाकी लोगों की तरह हम भी भाग गए सर। तो हमारे पास क्यों नहीं आए तुम दोनों? और भी तो कोई नहीं आया होगा ना मैडम, हमको इन्वॉल्व नहीं होना था, हम तो घर से भी नहीं निकले। वो दोनों कौन थे, कोई नक्सली थे, किसी बाहर की गैंग के थे या लोकल गैंग के थे? वो लोग जो भी थे हम उनके बारे में नहीं जानते सर। और सोचिए ना सर, उन दोनों ने हेलमेट से चेहरा ढका हुआ था, अगर हम दोनों उनके साथ होते तो हम अपने चेहरे क्यों खुले रखते? ताकि हम लोगों को तुम पर शक ना हो। ये जो तुम्हारे सस्ते सस्ते दो कौड़ी के तरीके हैं ना, कई सालों से देखते हुए आ रहे हम लोग। सीधी तरह बताओ तुम्हारा जोनल कमांडर कौन है और कौन से नक्सली ग्रुप को बिलोंग करते हो तुम लोग? सर हमारे यकीन करिए सर, हम कोई नक्सली नहीं है, स्टूडेंट है सर, स्टूडेंट। पर सर हम तो मंसूर साहब के फैंस थे सर, सर उन्होंने हमारे इलाके के लिए इतना कुछ किया था सर, शायद किसी ने नहीं किया होगा। और सर हम उनके मर्डर के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकते। इरफान दोनों की फोन रिकॉर्ड सर बचपन से लेकर अभी तक की हिस्ट्री मुझे टेबल पे चाहिए, और नुसरत इनके घरों की तलाशी लो, नक्सली प्रोपेगेंडा मटेरियल के लिए लुकआउट रहे। नहीं पिछले एक साल तो क्या, कई सालों से किसी नक्सली ग्रुप से मुठभेड़ नहीं हुई हमारी। मैं बॉर्डर एरिया भी छान चुकी हूँ पर कहीं ऐसी नक्सल मूवमेंट की खबर नहीं मिली। छह साल पहले नक्सली मूवमेंट अपने पीक पर था, पर इनकी मॉडस ऑपरेंडी अलग रही है। ये पुलिस को अपने इलाके में या जंगल में घेर कर मारते थे, पर यूं शहर में आकर बाइक पर बैठ कर गोली चलाना, ये नक्सली अटैक की हिस्ट्री में पहले कभी दिखा नहीं। उसे एक दिनेश के अलावा कोई और गवाही देने सामने नहीं आया ना? यस सर, और जो भागे वहां से उनसे कांटेक्ट करना मुश्किल है। और सर ये दिनेश गुप्ता कह रहा था कि उसे ठीक से याद नहीं कि कौन कौन रेगुलर वॉकर थे उस वक्त यहाँ पर। और ये आदर्शगंज थाने को वहाँ के चाय वाले ने इन्फॉर्म किया था? सब मंसूर साहब पर फायरिंग हुआ साहब। मैंने उससे भी बात की, उसने कहा कि उसने गोलियों की आवाज तो सुनी थी और वो भाग के आया भी था क्राइम सीन पर। धाए धाए धाए, एक के बाद एक पांच छह फायरिंग हुए, उतने में हम समझ गए ये तो भैया कौनो कांड हो गया है। उतने में हम दौड़ कर वहां पहुंचे तो हम देखे दिनेश गुप्ता जी मौजूद है। मंसूर साहब, मंसूर गुप्ता जी, ये सब कैसे हो गया? जगदीश भाग के जा पुलिस थाने, बुला के ला पुलिस को। और फिर हम यहाँ आए, सबको बताया कि क्या हुआ है, हम तो बिल्कुल हैरान हो गए थे। अरे अभी तो अच्छे खासे घूम रहे थे हमारे सामने, हमारी दुकान के पास से भी गुजरे थे और हम उनका राम राम भी किए थे रोज की तरह। राम राम मंसूर साहब। राम राम जगदीश, राम राम, सब बढ़िया। ये सर्विस गन ना ले जाने वाली बात किसी को कैसे पता चली होगी? कोई तो मिला होगा वॉक के दौरान शायद। पर सर किसी को पता चलेगा भी कैसे, सिविल कपड़ों में ज्यादातर गन शर्ट या फिर ट्रैक टी शर्ट के नीचे कमर के पास रखी जाती है।
वही बात तो समझ में नहीं आ रही कि ये खबर लीक हुई तो हुई कैसे। पीछा कोई भी ऐसा जो उन पर नजर रखे हुए हो या फिर अजीब हरकतें कर रहा हो? इतना तो हमको ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ इतना बता सकते हैं कि मंसूर साहब उस दिन भी यहाँ से निकले थे। हमेशा की तरह हम उनको राम राम भी किए थे। वो अपने डॉक्टर साहब से 2 मिनट के लिए बतियाए और आगे निकल गए। ये डॉक्टर साहब कौन है? वही अपने डॉक्टर पंकज सिन्हा, यही रजियागंज के पास उनका दवाखाना है। हम मिले थे इंस्पेक्टर मंसूर से, हम अक्सर मॉर्निंग वॉक पर मिला करते थे। डॉक्टर आपको कुछ भी सस्पिशियस लगा था, कोई उन्हें फॉलो कर रहा हो या फिर कोई नजर रख रहा हो? नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ नोटिस करने के लिए ऐसा कुछ दिमाग में भी तो होना चाहिए ना। मॉर्निंग वॉक वाला मूड था पर हम रेगुलर बात कर रहे थे। हो सकता क्या बात हो रही थी? बस कहा ना रेगुलर, वो मेरे पेशेंट भी थे तो मैं उनके घाव के हीलिंग के बारे में पूछ रहा था। घाव मतलब कैसा घाव? कुछ समय पहले मंसूर साहब एक रेड में घायल हुए थे ऑन ड्यूटी, तो मैंने उन्हें ट्रीट किया था। यहाँ लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन पर घाव था। डॉक्टर साहब घाव तो भर गया है बट कभी कभी दर्द होता है, दिखाइए। हीलिंग तो हो चुका है पर थोड़ा उज वेटनेस बाकी है। मैं एक ऑइंटमेंट भिजवा देता हूँ, दिन में 3 बार लगाइए, हफ्ते भर में पूरी तरह से सूख जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। और हाँ, थोड़े टाइम के लिए चोट को रेस्ट दीजिए, थोड़ा एक्शन कम कीजिए। हम पुलिस वालों की ड्यूटी का दूसरा नाम एक्शन ही तो है, और ड्यूटी है हमारी 24 घंटे की, हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। मतलब आप पुलिस वालों की लाइफ हम डॉक्टर्स के जैसी है। फिर मंसूर साहब अपने रास्ते चले गए और हम अपने। 9 बजे ये शॉकिंग न्यूज़ आई कि उन्हें शूट कर दिया गया है। हमें तो विश्वास तक नहीं हुआ। अभी मिले, बातें हुई, वाउंड चेक किया हमने उनका। डॉक्टर जब आपने उनका वाउंड चेक किया था तो इंस्पेक्टर मलिक ने टी शर्ट ऊपर उठाई होगी घाव दिखाने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर उठाई थी राइट? हाँ इंस्पेक्टर, इंजरी लेफ्ट साइड में ही थी, यहाँ एब्डोमेन पर। हाँ सर, वो हमेशा अपना सर्विस गन लेफ्ट साइड पर ही रखते थे। मंसूर सर जो डॉक्टर को अपना घाव दिखा रहे थे उसी वक्त शायद किसी ने नोटिस किया होगा कि उनके पास सर्विस गन नहीं है और तुरंत हथियारों को इन्फॉर्म कर दिया। सर वो जो कोई भी था शायद मंसूर सर को रोज फॉलो कर रहा होगा और इसी बात का इंतजार कर रहा होगा कि कब अटैक किया जा सकता है। जगदीश ध्यान से याद करने की कोशिश करो, जब इंस्पेक्टर मंसूर मलिक और डॉक्टर पंकज सिन्हा वहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे उस वक्त कोई और था उस तरफ या फिर इस तरफ या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो हर रोज उसी वक्त यहाँ पर आता हो? हाँ सर, एक आदमी तो था। कौन? साहब पिछले कुछ दिनों से रहमान कादरी रोज यहाँ बैठकर चाय पीता था। वो उस दिन भी यहाँ पर था? हाँ साहब, यहीं पर था। जगदीश ये रहमान कादरी कौन है और कहाँ मिलेगा? 444567891 रहमान कादरी नाम है। इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स अगले आधे घंटे में मुझे अपनी टेबल पर चाहिए। सर जी बताइएगा नहीं, ये जगदीश का दुकान पर चाय पीना कब से गलत होने लगा? हमने कब का गलत हुआ है? हमें तो बस शक है कि ये जो गुनाह हुआ है, जुर्म हुआ है, उसका तुम भी हिस्सा हो। हाँ साहब, मैं पिछले 5-6 दिनों से जगदीश का ही दुकान पर सुबह का चाय पीता हूँ। तेरे घर में गैस खत्म हो गई है, बीवी मायके गई है, तुझे घर से निकाल दिया है। साहब ये का उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं आप हमसे? नहीं, इस रहमान कादरी का तो हमारे थाने में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इस रहमान कादरी के साथ मंसूर सर का कोई कनेक्शन था? नहीं, पर्सनली अगर जानते हो तो कह नहीं सकता, लेकिन काम से कोई कनेक्शन नहीं था। हम सुबह सुबह टहलने निकलते हैं सेहत बनाने के लिए और फिर जाकर जगदीश के यहाँ पर चाय पी लेते हैं। और रही बात मंसूर साहब की, तो साहब हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो कब थाने से निकले हैं शहर के लिए। तो झूठ बोल रहा है, जगदीश ने तेरे सामने मंसूर साहब से नाम लेकर राम राम किया था, जवाब में उन्होंने भी राम राम कहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरा ध्यान ना गया हो उन पर। साहब हम उस वक्त अखबार पढ़ रहे थे, चाय पी रहे थे, अपना दुनिया में मस्त थे। साहब हम आपको कैसा यकीन दिलाएं कि वहां पर जो हो रहा था उस पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं गया। गफूर खान? जी हाँ गफूर खान। रहमान कादरी ने सुबह 6:45 पे गफूर खान को फोन किया था चाय की दुकान से। गफूर भाई कहाँ हो? गफूर खान ये तो नामचीन हिस्ट्री शीटर है हमारे इलाके का, पूरी फाइल है इस पर। सर मुझे ये फाइल अभी चाहिए, जल्दी भिजवाइए। साहब हम आज तक कोई गलत काम नहीं किए और आप हमको मंसूर साहब जैसे दबंग पुलिस अफसर के कत्ल का हिस्सा बना रहे हैं। सर 6:45 पे इसने इस गफूर खान को फोन किया था, लगभग उसी समय मंसूर सर अपने थाने से निकलकर जगदीश की चाय की दुकान को क्रॉस कर रहे होंगे। ये गफूर खान कौन है? काफी नामचीन है सर,
आदर्शगंज का लगभग हर बंदा जानता है इसे। हर एक बंदा अच्छे के लिए जानता है या बुरे के लिए जानता है? सर पहले अच्छे के लिए, फिलहाल बुरे के लिए। मतलब? मतलब सर आज से 6 साल पहले जब यहाँ पे नक्सलियों का आतंक था, स्पेशल फोर्सेस के अलावा सिविलियंस ने अपनी एक आर्म फोर्स तैयार कर ली थी जिसका नाम था लिबरेशन दल। और सर ये लिबरेशन दल नक्सलियों से उन्हीं की जबान में बात करता था। घमासान एनकाउंटर्स होते थे लिबरेशन दल और नक्सलियों के बीच में। और सर इस दल को उस वक्त की सरकार और पुलिस दोनों का अनऑफिशियल सपोर्ट भी था। इस गफूर खान का इस सबसे क्या लेने देना? सर ये गफूर आदर्शगंज के लिबरेशन दल का मुखिया था। शाबाश शाबाश शाबाश, देशभक्त गन कंधे पे, लोड करो, फायर। से 4 साल पहले इस लिबरेशन दल को डिसबैंड कर दिया गया था। सर इस लिबरेशन दल को प्राइमरली इसीलिए खड़ा किया गया था ताकि नक्सलियों के एक्सट्रॉशन को रोका जा सके। ये नक्सली थोक के भाव से पैसा वसूल करते थे बिजनेस करने वालों से। और सर जब नक्सली मूवमेंट इस एरिया में लगभग खत्म सा होने लगा तो इस लिबरेशन दल के कुछ लोग उन्हीं बिजनेस करने वालों से पैसा एक्सट्रॉट करने लगे। कुछ 4 महीने पहले इस गफूर खान ने एक ऑयल ट्रेडर से रंगदारी मांगी थी और उस ऑयल ट्रेडर ने मंसूर साहब से शिकायत की थी, तो हम लोग तुरंत गफूर से मिलने उसके गाँव नया बारी गए थे। गफूर, तेरे लाडले चूड़ा रशवा को कल शूट कर दिया हमने दौड़ा दौड़ा कर, खबर तो तुझ तक पहुंच ही गई होगी। वाह साहब, का इनाम दिए हैं आप हमारे अशवाक को। किसी जमाने में यही अशवाक नक्सलियों को दौड़ा दौड़ा के मारा करता था और नाम आपके डिपार्टमेंट का होता था। सीने पे गोलियां हम खाते रहे यहाँ जैसे बहादुर खाया। तो तुझे क्या लगता है रंगदारी करने का, पैसे ऐंठने का लाइसेंस मिल गया तुझे? लोगों को लूटना बहादुरी है, मर्दानगी है सब। गफूर, आज के बाद मेरे इलाके में एक्सटॉर्शन किडनैपिंग वगैरह तो छोड़, अगर कोई पनवाड़ी भी आया ना शिकायत लेकर कि तूने या तेरे किसी आदमी ने उसके पान के पैसे नहीं दिए, तो पान की तरह चबा दिए जाओगे और पीक की तरह थूक दिए जाओगे। वाह साहब, आप लोगों से और उम्मीद भी का की जा सकती है। जब नक्सली आपके सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे तब किसने आप लोगों का साथ दिया? हमने लोगों को तैयार किया था, हमने लौंडों को ट्रेनिंग दी थी। आपके कितने सिपाहियों की जान बचाई है हमने और आप हम ही लोगों का शिकार कर रहे हैं। लिबरेशन दल तैयार किया गया था नक्सलियों से लड़ने के लिए, खुद आतंक फैलाने के लिए नहीं। अब दल का काम खत्म हो चुका है और अगर तू सोच रहा है नक्सलियों की जगह लेने की तो मुझे किसी दल बल की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा कसम मैं खुद ठोक दूंगा एक एक को। और इसको कोई धमकी मत समझना कफूर। हाँ साहब, हमने ही कपूर खान को खबर दिया था। वो 3 दिनों से हमारे आदर्शगंज में डेरा जमाए हुए था। कपूर भाई कहाँ हो? अच्छी खबर है रहमान, आपका दुश्मन मंसूर एकदम निहत्ता है। हम अपनी आंखों से देखें, उसका टी शर्ट के नीचे गन नहीं था। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। शोएब, अपनी बाइक निकाल, अपने लिए और हमारे लिए 2 हेलमेट लेकर आना। हाँ, 5 मिनट बाद हमें यहीं से उठा ले। दौड़ा जल्दी 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 दौड़ा। हमें कुछ बोलकर नहीं गए थे मैडम। देखो बता दो कि तुम्हारा शौहर गफूर खान इस वक्त कहाँ छिपा बैठा है। ऐसा है, अगर तुमने बता दिया तो हम उसे जिंदा पकड़ेंगे, फिर तुम जेल में आके मिलती रहोगी। पर हम जेल के बजाय 2 गज जमीन के नीचे भी डाल सकते हैं।
फिर नहीं मिल पाओगी तुम अपने शौहर गफूर खान से। काश आपकी ये धमकी उन पर काम कर जाती मैडम। हम इतने सालों से कहते आए हैं कि छोड़ दो, निकल लो, पर नहीं माने। शिरीन मुझे एड्रेस चाहिए, पता बताओ। हमें सच में नहीं पता मैडम, दो हफ्तों से ना फ़ोन है ना कुछ, हमेशा फ़ोन ऑफ रहता है, हमारी जिंदगियों की तरह। मुझे कुछ नहीं मालूम है। उस दिन कपूर भाई का फोन आया और वो मुझे बोले कि दो हेलमेट और बाइक लेकर आ जा। मैं पहुंच गया साहब, वहां से वो राजियाबाग के पीछे वाली सड़क पे लेने बोले। वहां पे उन्होंने मंसूर साहब को गोलियां ताक दी साहब। देख के मेरा खून बर्फ हो गया साहब, मैं सच में अब जब हम तुझ में गोलियां ताकेंगे ना तो तू पूरा का पूरा बर्फ हो जाएगा, मुर्दा घर में। अगर जीना चाहता है तो बता दे हमें कपूर कहाँ मिलेगा। बोल। मुझे नहीं मालूम, मैंने उन्हें आदर्शगंज के रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। लखनऊ की ट्रेन ली, इसका मतलब इसका लखनऊ में कोई ना कोई होगा जरूर। जब लिबरेशन दल बंद कर दिया गया था तो गफूर खान के साथीदार यहाँ वहाँ बस गए थे, उनमें से था सुल्तान जफर, वो लखनऊ में शिफ्ट हो गया। कब तक रहेंगे? हमें तो खुद नहीं मालूम कब तक रहेंगे, तो तुम्हें कैसे बताएं? जरूर कुछ कांड करके आए हैं आदर्शगंज में, कुछ छुपा रहे हैं या खुद छुप रहे हैं। देखिए हम बहुत बुरा फंसेंगे। समझ में नहीं आ रहा कैसे पूछें, क्या करें। सुल्तान जफर, गफूर खान किधर है? गफूर भाई अंदर है। देखिए हमने उन्हें यहां नहीं बुलाया, वो खुद ही यहां आधमके हैं, हम उनसे नहीं मिले हुए हैं। गफूर खान अगर भागना चाहता है ना तो जरूर भागना, क्योंकि तुझे दौड़ाकर ठोकने में हमें रत्ती भर भी झिझक महसूस नहीं होगी। हमने इंस्पेक्टर मंसूर को 6 गोलियां मारी, इसलिए क्योंकि इंस्पेक्टर मंसूर मलिक ने तेरी रंगदारी खत्म कर दी थी। इलाका है ये हमारा और दबदबा था हमारा यहाँ, हमने ये दबदबा नक्सलियों से छीना था। तो तुम उनसे बेहतर कैसे हुए? तुमने अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दी। हम हैं गुंडे, और जब हम नक्सलियों से लड़ा करते थे तब भी हम गुंडे ही थे। हमने लिबरेशन दल का काम अपने हाथ में लिया क्योंकि हमारे पास कुर्ता था, डेयरिंग थी हमारे अंदर जो नक्सलियों को कंपा देती थी। हमारी फौज के कितने बहादुर सिपाही उस जंग में शहीद हो गए साहब। लिबरेशन दल में से कईयों ने उस जंग के बंद होने के बाद नए सिरे से जिंदगी शुरू की थी। ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है, तेरे दल के साथीदार सुल्तान जफर को ले लें जिसके घर में तू छुपा हुआ था। जब दल बंद हुआ तो बंदा लखनऊ में जाकर ईमानदारी की जिंदगी बसर करने लगा, तेरी तरह क्रिमिनल नहीं बना। हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती साहब। हाँ नहीं होती, लेकिन अगर एक भी उंगली का नासूर बेइलाज हो जाए तो उस उंगली को काट दिया जाता है, वरना वो पूरा हाथ पूरा बदन सड़ाने लगता है। तो सोच क्या रहे हैं, कर दीजिए ना झूठा इनकाउंटर हमारा, जो आप हमेशा करते हैं। झूठा तो तू है गफूर, और तेरे झूठ का इनकाउंटर भी होगा, लेकिन अदालत में। तूने एक बहादुर और ईमानदार अफसर की जान सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि उसने तेरे बुरे धंधे बंद कर दिए थे। गफूर कभी अपने आप को सिपाही मत समझना, वरना ये सिपाहियों की बहुत बड़ी तौहीन होगी। शायदा जी, मंसूर सर पर एक ऐसे आदमी ने गोली चलाई जो उनसे हताश हो चुका था, क्योंकि उन्होंने उसके सारे बुरे धंधे बंद करवा दिए थे। वो बस उसी दिन अपनी गन ले जाना भूल गए। जी हाँ, फिलहाल तो हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि मंसूर सर के दिमाग से वो बात सिर्फ एक बार छूट गई थी। एक भूल की इतनी बड़ी कीमत चुका है।
सर, इस लिबरेशन दल के और भी मेंबर्स होंगे जिन्होंने खुद के अपने प्राइवेट गैंग्स बना लिए, जो एक्सटॉर्शन और रंगदारी में एक्टिव होंगे। हम ऐसे हर दल के मेंबर के पीछे पड़े हैं, ढूंढ ढूंढ कर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं उन्हें। सर, हिस्ट्री गवाह है, पॉलिटिक्स हो या क्राइम वर्ल्ड, जब भी कांटे को कांटे से हटाने की कोशिश की जाती है, दूसरा कांटा अक्सर पहले कांटे से ज्यादा जहरीला साबित होता है। हमारे देश में देखो, किसी पार्टी या किसी सरकार को बदनाम करने के लिए उनके पॉलिटिकल राइवल्स गुंडों की टोलियों को स्पॉन्सर करते हैं, फिर एक दिन यही लोग स्पॉन्सर करने वालों के सर पर बैठ के खून की होलियां खेलते हैं। लोग भूल जाते हैं कि लोहा लोहे को काटता जरूर है, लेकिन आखिरकार लोहा तो लोहा ही होता है, जंग तो लगनी ही है। इंस्पेक्टर मलिक इसी जंग को लगने से रोक रहे थे, वो किसी भी क्रिमिनल गैंग को पनपने ही नहीं दे रहे थे। वो गफूर जैसे हर क्रिमिनल के लिए एक बुरी खबर थे, और हमारा संकल्प भी यही होना चाहिए कि हम गफूर जैसे हर भ्रमित क्रिमिनल के लिए बुरी खबर बनते रहें। इंस्पेक्टर मंसूर मलिक के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगी कि उनके द्वारा शुरू किए गए अच्छे काम को हम आगे बढ़ाते रहें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।